नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राम कंट्री चैनल में। आज आपको कुछ किचन ओटा बताता हूँ जो सिंपल सा बना है। वह इसमें कुछ एक दो चीज़ नहीं है जो आपको देखने को मिलेंगी, इसमें थोड़ा सा आपको भी आइडिया आएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी साइड पत्थर की, जो ये लिया हुआ है। 5 फुट हाइट है इसकी, नॉर्मली 4.5 या 4 फुट हाइट रहती है अपने साइड पत्थर की जो देख रहे हैं। 4.5 फुट लास्ट हाइट होती है, लेकिन इसमें 5 फुट हाइट ली है और साइड से एस टाइप में इसमें डिज़ाइन कटिंग करके फुल राउंड मोल्डिंग है। दोनों साइड से इसको पत्थर है, डबल मोल्डिंग है। ये देख सकते हैं, ये डबल मोल्डिंग में है ये। और उसके बाद में दोस्तों इसको साइड से बता देता हूँ कैसा दिख रहा है। ये पूरा प्लेन पीछे में इसमें वासअप है और ये पूरा 5 फुट हाइट में लिया हुआ है साइड पत्थर। और चौड़ाई में, ये ऐसे चौड़ाई में, जैसे ये चौड़ाई देख रहे हैं इसकी किचन की, ये 2.5 फुट में ऐसे, और एल शेप में है ये किचन ओटा टोटल। ऐसे में 10 फुट है लंबाई में, और ऐसे में आएगा ये 6 फुट आएगा वो। अब इसमें एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों मैं आपको, जैसे अपन 3 इंच की टाइल के नीचे पट्टी लगाते हैं ग्रेनाइट की, वो इसीलिए ये लगाई जाती है ताकि टाइल टूट फूट ना हो। जैसे टाइल का कोने के अंदर सीमेंट नहीं रहती कोई कोई टाइल में, तो वहाँ पे अपने को सिगड़ी या फिर और भी कुछ अगर ज़ोर से धक्का लगता है तो कोना टूट सकता है टाइल का, इसीलिए वो पट्टी लगाई जाती है। इसमें एक वो चीज़ है थोड़ी सी जो लगाई नहीं है इसमें। और एक दोस्त इसमें यह है, ये जो सिलेंडर की पाइप देख रहे हैं ये हमेशा दीवार में से ली जाती है, तो ये फ्लोरिंग में से ले लिए। इसमें साइड से पानी जाने का चांस रहता है इसमें, तो एक चीज़ ये है इसमें दोस्तों। दूसरा मैं आपको एक डिज़ाइन बताता हूँ इसमें, वो एकदम बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये कुछ टाइल का डिज़ाइन इसमें, और ये दूसरा साइड पत्थर है इसका, और ये साइड से इसका मंदिर का ओटला आ गया इसमें। अभी वो बात करते हैं दोस्तों, इसको सामने की डिज़ाइन दी है ये बताता हूँ आपको कैसे ली है इसमें। ये देख सकते हैं, ये 2 इंच की ग्रेनाइट की पट्टी है ये, उसमें ये डिज़ाइन बनाई है इसमें। ये देख सकते हैं, पहले तो आप देख लो इसको अच्छे से, ये कौन सा पत्थर है वो भी देख लो आप। और ऊपर नीचे से इसको मोल्डिंग करके पट्टी लगाई हुई है, फुल राउंड मोल्डिंग। ये एक नया आइडिया मिलेगा दोस्तों आपको डिजाइन डालने का, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये ब्लैक ग्रेनाइट ही है जिसको ग्लेंडर की मोल्डिंग ब्लेड आती है उससे रब करके ये डिज़ाइन बनाई है इसमें। ये देख सकते हैं, ये जो रब किया हुआ है और ये पॉलिश वाला भाग है इसका, तो ये एक अच्छा आइडिया है डिज़ाइन बनाने का। इस तरह से आप भी कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं, ये कुछ नया आइडिया है। ये रब किया हुआ भाग है ग्लेंडर की जो ब्लेड आती है अपनी मोल्डिंग की, उससे बना सकते हैं अपन ये, जो 4-4 इंच की ब्लेड आती है अपनी, उससे बना सकते हैं ये। ये कुछ था दोस्तों नया आइडिया इसमें किचन में एक, जो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया। और ऊपर से ये 2 इंच की पट्टी है इसको, ये 2 इंच की पट्टी है इसको। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। हो सके तो आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए ये वीडियो, हो सकता है आपकी हेल्प हो सकती है इसमें, और भी किसी की हेल्प हो सकती है दोस्तों।